थाना जसा क्षेत्र के गांव नगला पर्दमन में उस समय सनसनी फैल गई जब ट्यूबवेल पर सो रहे एक वृद्ध की अज्ञात लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी। वृद्ध की हत्या की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोगों ने वृद्ध की हत्या की जानकारी थाना पुलिस एवं स्थानीय विधायक को दी। हत्या की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्थानीय विधायक रामगोपाल उर्फ पप्पू लोधी, एसपी देहात राजेश कुमार, सीओ ओम प्रकाश सिंह थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के पुत्र से घटना की जानकारी ली। मृतक के पुत्र उदयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके 75 वर्षीय पिता हर प्रसाद खेत में बने ट्यूबवेल पर सो रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। एसपी देहात राजेश कुमार ने बताया कि वृद्ध की हत्या हुई है, शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा जा रहा है, तहरीर पर अभियोग दर्ज किया जाएगा। फिरोजाबाद से अमन चौहान, सहयोगी सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। तो अपनी बहन के यहाँ था, मेरे डोकरा खत्म हो गया, बिजली पर पड़े थे। कैसे मालूम पड़ी तुम्हें? गांव से फोन गया, छोटी भैया ने फोन करो। थाना जसराना के नगला पर्दुबन गांव में रात में एक वृद्ध अपने खेतों में बने ट्यूबवेल में सो रहे थे, उनकी हत्या हुई है और मृतक शरीर को देखने से लग रहा है कि गला दबाया गया इनका। इनके परिजन आ गए हैं और इन्होंने कुछ बातें बताई है कि हत्या कौन कर सकता है, इस संबंध में हम लोग छानबीन कर रहे हैं।